हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। आज हम बात करेंगे एमबीए अगर आप प्लान कर रहे हैं यूके में तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास और क्या क्या एंट्री रिक्वायरमेंट्स उसकी रहती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि टॉप 5 एमबीए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है, जिसके अंदर LSE, लंदन बिजनेस स्कूल, किंग्स कॉलेज, क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी, इस टाइप के रसल ग्रुप में अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि मिनिमम आपको 70% रिक्वायरमेंट है आपके बैचलर्स डिग्री के अंदर, और साथ ही साथ आपको फ्रेंड्स GMAT की रिक्वायरमेंट मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ GMAT भी आपसे मांग सकती है। साथ ही अगर इन टॉप बिजनेस स्कूल्स को आप टारगेट कर रहे हैं तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि बैचलर्स के बाद में अगर आपके पास 2 या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो वो काफ़ी हैंडी रहता है, काफ़ी आपके SOP के अंदर अगर आप वो मेंशन करते हैं, CV में अगर वो मेंशन करते हैं तो आगे जाके आपको हेल्प करता है। इसके अलावा 70% बैचलर्स के अलावा सारी रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ अगर आपके पास 75% या अबव CBSE IGC बोर्ड के अंदर है तो फिर IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है, अदरवाइज़ ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपसे IELTS की रिक्वायरमेंट भी मांगती है। आपको IELTS मैंडेटरी होता है अगर आप स्टेट बोर्ड से या किसी भी अदर बोर्ड से हैं CBSE और IGSE को छोड़ के। साथ ही में अगर हम बात करें बजट यूनिवर्सिटीज़ की तो फ्रेंड्स बजट यूनिवर्सिटीज़ में भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ आती है, जैसे वोस्टर है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंडन है, डी मॉन्टफोर्ट है, बेडफोर्ड शायर है, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी जो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है डायरेक्टली MBA में एडमिशन के लिए वो है 55%। अगर 55% आपके बैचलर्स में है और साथ में आपके 65 या उससे ऊपर 12th के अंदर इंग्लिश में मार्क्स हैं तो आप डायरेक्टली एलिजिबल होते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर MBA के लिए। रसल ग्रुप के किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको प्लेसमेंट ईयर नहीं मिलता जो कि MBA के साथ में आपको बजट यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाता है। सब बेडफोर्ड शहर में 1+1 है, UEL में अगर आप बात करें तो 1+1 है, यानी 1 साल की पढ़ाई और 1 साल का प्लेसमेंट ईयर आपको इनके साथ मिलता है। साथ ही इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश में जैसे मैंने आपको बताया 65 या अबव 12th में अगर आपके हैं तो आपको IELTS वेवर भी मिलता है, और भी कई सारे एडवांटेजेस इसमें होते हैं कि आपकी जो फ़ीस है वो करीब करीब £15,000 मैक्सिमम इनमें रहती है। वहीं अगर आप रसल ग्रुप की बात करेंगे तो £30,000 £25,000 इस तरीके से आपकी फ़ीस के अंदर डिफरेंस रहता है। और बजट यूनिवर्सिटीज़ में आपको स्कॉलरशिप्स एडिशनल मिल जाती है, जैसे कि अगर वूस्टर यूनिवर्सिटी की आप बात करें तो MBA की फ़ीस है 14,100, बट आपको डायरेक्टली £3,000 की उसमें स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर आपके पास 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो। इसी तरीके से MBA से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या अदर कोर्सेज के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे काउंसलर्स से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। उसके लिए www.meridian.org पे अगर आप जाएंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किस ब्रांच में आप जा सकते हैं, और साथ ही फ्री फ्लाइट प्रोग्राम के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन अभी ओपन है 10th of August तक। अगर आप चाहते हैं कि आप UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं और आपको फ्री फ्लाइट का बेनिफिट मिले, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आपको वेबसाइट पे दे रखे हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन ज़रूर करें क्योंकि काफ़ी बच्चों को फ्री फ्लाइट्स इस इनटेक के अंदर मिलने वाली हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू। अगर आप टॉप काउंसलर से कनेक्ट करना चाहते हैं, लाइव अपनी काउंसलिंग चाहते हैं तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जा सकते हैं, अपने किसी भी काउंसलर के साथ आप डायरेक्टली एप्लीकेशन करवा सकते हैं, वीज़ा फाइल सबमिशन करवा सकते हैं। तो वेबसाइट विजिट करें और अपना रजिस्ट्रेशन करें ताकि आपकी सारी प्रोसेस स्मूथ रहे।